अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। और सबसे पहले दोस्तों आज आपके दिन हो गया 11 जुलाई दिन गुरुवार की बड़ी अपडेट्स लेने वाले। सबसे पहले दोस्तों सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कि चालू सत्र में बेसिक शिक्षकों के अंतर जिले तबादले नहीं होंगे। तो दोस्तों ये आज की एक बड़ी खबर है। तो अब आप लोग का पता है दोस्तों, स्कूल खुल चुके हैं, मतलब आपका सत्र शुरू हो चुका है। तो अभी जो अंतर जिला तबादले होने वाले थे, जो जुलाई माह में उम्मीद लगी थी दोस्तों कि 15 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब कुछ अलग खबर निकल के आ रही है दोस्तों, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों पूरी खबर पढ़ेंगे और दोस्तों जानेंगे कि आपके 68,500 शिक्षक भर्ती की स्कैन कॉपियां मिलने के आसार बढ़े। जी हाँ दोस्तों, सभी जो भी कॉपी आपकी चेक होती है उसकी एक स्कैन कॉपी बना के उसको हटाया जाता है। तो अगला दोस्तों और बड़ी खबर क्या रहेगी आपकी, अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा 69,000 शिक्षक भर्ती में, और क्या सरकार अंतरिम फैसले पर आप लोग को नौकरी दिलाने वाली है या नहीं, और अभी क्या क्या हो सकता है शिक्षक भर्ती में, जाने किन को मिलेगी नौकरी, और दूसरे शब्दों में जानेंगे सेफ जो। तो दोस्तों आज एक छोटे छोटे और बड़े पहलू पर बात होगी इस वीडियो में। और दोस्तों देखिए, एक से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए कैलेंडर प्रस्तावित अक्टूबर से शुरू और मार्च अंत तक पूरी होगी प्रक्रिया, प्रस्ताव सीएम को। जी हाँ दोस्तों, ये प्रक्रिया आप लोग अक्टूबर माह से शुरू करके मार्च के अंत तक चलेगी, मतलब लंबे समय तक चलने वाली है। और दोस्तों दूसरी खबर क्या थी कि हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने को कहा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज एक बड़ी बड़ी खबर पर, हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों पहले इस पर बात करेंगे अभी और कितना करना होगा इंतजार। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता है आपकी जो नई डेट दी गई वो 2 अगस्त दी गई है, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही दोस्तों, सबको पता है 2 अगस्त तो आज आने वाली है नहीं, तो महीनों का समय तो दोस्तों भी आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों महीनों का मतलब है, सिंपल सी बात है, आपको पूरा जुलाई माह तक कुछ नहीं होने वाला शिक्षक भर्ती में। लेकिन दोस्तों एक चीज और है, एक चीज याद रखिए, क्या सरकार अंतरिम फैसले पर नौकरी दिला सकती है? जी हाँ दोस्तों, जैसे नहीं होता है कि कोर्ट से अंतरिम राहत लेके जैसे 60 और 65 पर नौकरी दिलाई जा सकती है, या 40 और 45 पर। दोस्तों देखिए, अंतरिम राहत दोस्तों दोनों के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि 60 और 65 के लिए ही होगा सिर्फ। तो ये दोस्तों अंतरिम राहत 40 और 45 के लिए भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए इनको करना क्या होगा, सबसे पहले इनको अपना रिजल्ट भी जारी कराना पड़ेगा दोस्तों। अगर रिजल्ट जारी होगा तभी तो नौकरी मिलेगी ना, अब कैसे पता चलेगा दोस्तों किसके कितने अंक आ रहे हैं। तो रिजल्ट तो फिलहाल जारी कराना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और आपको पता होगा कि डबल बेंच ने ये भी कहा था, कि डबल बेंच से एक फैसला आया था, यह कहा गया है कि जब तक आप लोग का मामला दोस्तों पूरा नहीं होगा, जी हाँ दोस्तों जब तक आप लोग का मामला पूरा नहीं होगा तब तक वो आपकी जो फाइनल पासिंग मार्क है या कट ऑफ कही है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो मतलब दोस्तों इसको मामले को पूरा होने के बाद ही दोस्तों आप लोग का जो फाइनल कट ऑफ वो पता चल पाएगा। तो दोस्तों लिहाज से देखा जाए तो यार वेट करना ही पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन दोस्तों अगर सरकार चाह भी जाए, ऐसा नहीं होता कि हमें नौकरी दिलाना है, या जो टीचरों की कमी है हर स्कूलों में तो उसको पूरा करना है, तो दोस्तों ऐसा करने पर दोस्तों आप लोग को नौकरी दिलाई भी जा सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कि अभी क्या हो सकता है शिक्षक भर्ती में। देखिए अभी दोस्तों जो शिक्षक भर्ती में हो सकता है फिलहाल दो ही चीज हो सकती है, या तो 40-45 या तो 60-65, और तीसरी कोई दोस्तों चीज नहीं हो सकती। जो बच्चे भी कंफ्यूजन में है कि सर कोई बीच का रास्ता आएगा क्या, 50-55-55-60। देखिए दोस्तों अब तो कोई बात ही नहीं करता आप लोग की तीसरी बीच के रास्ते के लिए, अब तो दो ही बात होती है, तो 40-45 या तो 60 और 65। तो दोस्तों जो भी होगा इन दोनों के बीच में होगा, कोई तीसरा पक्ष बीच में नहीं आने वाला, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो बच्चे जो काफी परेशान है कि सर क्या शून्य कटाप भी हो सकता है तीसरा विकल्प, जो विज्ञप्ति में कुछ नहीं लिखा है तो शून्य कटाप कर देना चाहिए दोस्तों। अगर विज्ञप्ति की ले ली जाए ना तो फिर तो और बच्चे शिक्षा मित्रों की मतलब एक तरह से कही चांदी हो जाएगी। अगर कोई वो गलती से फेल भी हो रहे होंगे 40 और 45 में भी, तब तो मतलब समझ लीजिए हर एक शिक्षा मित्र जितने टीईटी पास हो चुके हैं और जिन्होंने सुपर टेट का पेपर दे रखा है, हर एक शिक्षा मित्र की नौकरी लग जाएगी, तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ शिक्षा मित्रों की नौकरी लगेगी। तो फिलहाल दोस्तों जो आपकी कटाफ है वो शून्य नहीं की जा सकती, लेकिन आपकी जो विज्ञप्ति कहती है उसके हिसाब से शून्य कटाफ होनी चाहिए, ये तो सबको पता है दोस्तों। लेकिन ये होता है ना कि यार कोई पेपर होता है तो कुछ ना कुछ पासिंग मार्क रखकर ही नौकरी दी जा सकती है, वैसा नहीं है कि सिर्फ नौकरी देने के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, मतलब ये कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है।
जैसे आपका 68,500 दोस्तों आप लोगों की पिछली भर्ती को देखिए तो उसमें 240 और 45 की बात कही गई थी। ठीक है, अगर उसमें 200 पहले से बात कही गई थी तो उसके आधार पर नौकरी दे दी गई, लेकिन इस पर बात नहीं कही गई है तो ऐसा करना दोस्तों फिलहाल हमारे हिसाब से भी संभव नहीं है कि यार शून्य कटा पर नौकरी दी जा सकती है, या तो परीक्षा को दोबारा ले लिया जाए। लेकिन शून्य कटा पर दोस्तों नौकरी पाना मतलब BTC BEd एक तरह से दोस्तों कह दीजिए उनको बाहरी करना होगा अगर शून्य कटा पर नौकरी देना है। चलिए दोस्तों एक बार पहले ये खबर पढ़ लेंगे, उसके बाद और बात करेंगे आप लोग के सेफ जोन को लेकर और कब तक शिक्षक भर्ती पूरी हो सकती है उस पर और डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों चालू सत्र में शिक्षकों के अंतर जिला तबादले नहीं होने वाले। जी हाँ दोस्तों ये बड़ी खबर है, एक जिले से दूसरे में तबादले की हसरत रखने वाले प्रसिद्धि स्कूलों के शिक्षकों को इसके लिए अभी और इंतजार करना होगा। शासन ने अंतर जिला तबादले की प्रक्रिया को अक्टूबर से शुरू कर मार्च के अंत तक पूरी करने का प्रस्ताव तैयार कर उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेज दिया है। प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने पर शिक्षकों का तबादला अगले सत्र में हो सकेगा। प्रसिद्धि शिक्षक अंतर जिला तबादले की मांग आरसे से कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक ने शासन को अंतर जिला तबादले का प्रस्ताव जून में भेजा था। इस प्रस्ताव के मुताबिक अंतर जिला तबादले के लिए शिक्षकों से आवेदन 15 से 22 जुलाई के बीच प्राप्त करने और पूरी प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर लेने की मंशा जताई थी। एक से दूसरे जिले में तबादले के लिए तकरीबन 30,000 आवेदन आए थे। उधर नई शिक्षा नीति के प्रारूप में भी कहा गया है कि शिक्षकों के तबादले अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किए जाए। ठीक है दोस्तों, लिहाजा शासन स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के लिए कैलेंडर प्रस्तावित किया है। अब दोस्तों चलिए 68,500 जो स्कैन कापियां थी उसको भी देख लेते हैं। वो पूरी खबर क्या थी कि स्कैन कापियां जल्द मिलने के आसार बढ़े। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती हाई कोर्ट सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने को कहा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं कि हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को स्कैन कॉपी देने पर ठीक है निर्णय लेने के आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेश दिया है कि वह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर 3 सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्णय ले। वेद प्रकाश कुशवाहा की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया। याचिका पर अधिवक्ता जियाउद्दीन ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता का कहना था कि उन्होंने परीक्षा की स्कैन कॉपी देने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दिया था। 2,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी देने को तैयार है। इसके बावजूद न तो उनका प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया और न ही स्कैन कॉपियां दी गई। याचिका के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले में दिए गए पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो अभ्यर्थी स्कैन कॉपियां चाहते हैं उनको 2,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट देने पर कापियां दी जाए। इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने सचिव को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन गुण दोष पर निर्णित है। और दोस्तों क्या है, प्रत्यावेदन पर स्कैन कॉपियां देने का निर्णय ले परीक्षा नियामक प्राधिकारी। देखिए दोस्तों ये सब चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। जो बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्वॉल्व है, देखिए होगा क्या, अभी अगर आपकी कापी में मान लेते जो आज आपकी OMR सीट है, अगर आज आपके जोड़ने पर 290 नंबर आ रहे हैं या किसी बच्चे के 200 नंबर आ रहे हैं, कल गलती से 200 ये 90 नंबर 80 नंबर में बदलते हैं, या ये 100 नंबर 200 आपके 80 नंबर में बदल जाते हैं, या किसी के बीच में होता है ना कुछ लोग गलतियां करते हैं, या कुछ लोग जबरदस्ती आपकी गलत बबल करके आपको पीछे हटाना चाहेंगे, तो आप लोग भी दोस्तों इसको ये तरीका याद रखिए कि आपकी अपनी कॉपी कैसे निकलवानी है। याद रखिए दोस्तों ये सब बहुत चीजें जरूरी होती है। कभी कभी होते हैं ना कि कुछ लोग पैसे देते हैं तो मतलब किसी को अपनी सीट चाहिए होगी तो किसी की सीट जाती भी है, तो ये सब चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। आप लोग को भी नौकरी लेना दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में, जो बच्चे बात करते हैं कि काफी पैसा चल गया, ये चल गया, वो चल गया, तो वो पैसा चलता कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहले पूरी खबर पढ़ते हैं ये कि हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को स्कैन कॉपियां देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेश दिया है कि वह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर 3 सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्णय ले। तो न्यायमूर्ति राजन तिवारी ने विदेश वेद प्रकाश कुशवाहा की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका पर अधिवक्ता जियाउद्दीन ने पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने परीक्षा की स्कैन कॉपी देने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रत्यावेदन किया था। तो दोस्तों ये सब बातें कहेंगे कि 2,000 रुपये का आपको बैंक ड्राफ्ट दे के अपनी कॉपी आप लोग निकलवा सकते हैं।
तो आज हमने देखा यार कुछ बड़े अपडेट्स आए थे कि एक बार चलिए सेफ जोन को बात कर लेते हैं। काफी बच्चे की कंफ्यूजन रहती है सर क्या हो सकती है सेफ जोन और किस पर हमें नौकरी मिलेगी। देखिए दोस्तों सेफ जोन ये होता है ना जो बच्चे 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आप लोग 6 महीने से अधिक टाइम होने वाला है आप लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना किनको नौकरी मिलेगी और किनको नौकरी नहीं मिलेगी। भाई अगर सेफ जोन दोस्तों आपको नहीं पता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नौकरी मिलने वाली है या नहीं। देखिए सेफ जोन का मतलब दोस्तों ये रहेगा कि आपके कितने गुणांक पर आपको नौकरी मिल जाएगी, तो इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज हम लोग। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं और एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए कुछ अलग अलग सेफ जोन हो सकती हैं। जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों हमने पहले बता रखा है कि आपको 74 से अधिक नंबर चाहिए होंगे गुणांक में, तो आप लोग एक बार आपको उम्मीद बनेगी कि आपको नौकरी मिलेगी। देखिए बात दोस्तों ये 40 और 45 कट ऑफ पर की जा रही है, रीजन यही है कि सिंगल बेंच का फैसला भी 40 और 45 है, तो हम बात भी 40 और 45 पर कर रहे हैं। जब दोस्तों 60 और 65 जीतेगा तो उस पर हम पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओबीसी कैटेगरी से दोस्तों अगर आपको बने रहना है भर्ती में तो 65 से अधिक गुणांक चाहिए होगा या कम से कम 65। एससी कैटेगरी में दोस्तों आपको लिए कम से कम 60 अंक का गुणांक चाहिए होगा उससे ज्यादा का, और एसटी में 55+ दोस्तों ऐसे कुछ गुणांक चाहिए होंगे। अगर आपकी शिक्षक भर्ती में बने रहना है तो ये गुणांक आपको चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है तो दोस्तों और भी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सभी अपडेट्स आपको दे दी जाएंगी टाइमली टाइमली। फिलहाल देखिए दोस्तों हो क्या रहा है कि आप लोग की जो शिक्षक भर्ती वो थोड़ा सा पेंडिंग हो गई है मानते हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा उम्मीद बनाए रखना है क्योंकि पिछली बार जो शिक्षक भर्तियां यूपी में होती है दोस्तों वो कम से कम उसमें 1 साल का समय लगता है, तो दोस्तों हर बार का रिकॉर्ड है यार 1 साल का समय तो देना ही पड़ता है। तो आप लोग अभी परेशान मत होइएगा कि इसमें लेट हो रहा है कुछ हो रहा है। देखिए लेट तो हो रहा है दोस्तों सबको दिख रहा है, लेकिन हाँ 1 साल ये इंतजार दोस्तों सभी बच्चों ने किया है। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखिए, आपको भी नौकरी सही समय पर मिल जाएगी। और भी अधिक अपडेट के लिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ नाइस डे, और रात हो रही हो तो गुड नाइट।